हेलो फ्रेंड्स, हिडन फैक्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं हेयर लॉस के बारे में बताने वाला हूँ, जो हेयर लॉस किस वजह से होते हैं और किन किन कारणों से होते हैं। ठीक है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। फैक्ट नंबर फर्स्ट, आपकी डाइट। अगर आपने आपकी डाइट कंट्रोल में नहीं करी तो आपका हेयर लॉस भी कंट्रोल में नहीं होगा। बिकॉज ऑफ डाइट एक ऐसी चीज है जिसको अपन कंट्रोल में करना ही पड़ता है। उसमें अपन को प्रोटीन लेना पड़ता है और भी बहुत सारी जैसे फल फ्रूट ये लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने डाइट कंट्रोल में करनी ना, हो सकता है कि आपके हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाए। सेकेंड फैक्ट, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो ये आपकी बहुत बड़ी वजह हो जाएगी हेयरफॉल की। बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज से आपके बाल तो ग्रो करेंगे ही और आपकी हेल्थ भी सही होगी। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आप ज्यादातर लोगों से पूछ लो, हेयरफॉल की मेन वजह तो यही होती है कि एक्सरसाइज अपन टाइम पे नहीं करते, टाइम पे उठते नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे डेली तो आपके जो हेयर है ना बहुत ग्रो करेंगे। ठीक है ना, और अगर आपको हेयर ग्रो करना ही है ना तो आपको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। चाहे घर पर करो या जिम जाओ, या थोड़ी बहुत तो करना ही पड़ता है एक्सरसाइज। अगर आपने एक्सरसाइज अपनी डाइट में नहीं करी तो हो सकता है आपके हेयर बहुत जल्दी जा भी सकते हैं। जो भी आप बालों पे लगाते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर चुके होंगे और बहुत सारी चीजें यूज कर चुके होंगे, तो सब छोड़ दो, बस एक महीने एक्सरसाइज करके देख लो। 100% कहता हूँ मैं, रिजल्ट आएगा। फैक्ट नंबर थर्ड, वाटर। वाटर एक ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा पियेंगे ना अपन, उतना अच्छा होगा अपने लिए। और एक और चीज, ये बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर अपन कम पानी पीते हैं ना, अपने बाल तो खिरते ही खिरते हैं और अपनी हेल्थ भी बेकार होती है। अगर आप पानी प्रॉपर पी रहे हो ना तो आपके बाल खिर नहीं सकते। सुबह उठते से ही अगर आप पानी पियोगे ना तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं है यार। इसलिए 2 से 3 लीटर पानी पियो दिन में, अगर आपको आपके हेयर बहुत अच्छे चाहिए और हेयर लॉस नहीं चाहिए। मैं बस इसमें इतना बता रहा हूँ कि कौन सा ऑयल यूज नहीं करना चाहिए। जो 10 रुपए में जो मिलती है ना, जो सीसी ऑयल की, वो यूज मत करो। कोई सा अच्छा ब्रांड देखो जिसका अच्छा प्रोडक्ट हो और जिसका अच्छा नाम हो। क्योंकि जो आप ऑयल यूज करते हो वो 10 रुपए की सीसी, उसमें केमिकल बहुत मात्रा में होता है। आप सोचते हो आंवला मिला है उसमें, बादाम मिला है, 10 रुपए में यार कौन मिला के देगा। अगर आप बहुत लोकल तेल यूज करते हो ना, उसे बदल लो। ठीक है, बहुत सारे तेल आते हैं आयुर्वेद में और होम्योपैथी में, तो बहुत सारे तेल आते हैं। अगर आपको अच्छे आपके ग्रो हेयर करने हैं ना, तो होम्योपैथी बेस्ट है और आयुर्वेदिक भी बहुत बेस्ट है। अगर आपको आयुर्वेद का तेल यूज करना है ना, तो थोड़ा महंगा आ सकता है, वो 500 से 600 रुपए तक का, बट वो बेस्ट होगा। ठीक है, और होम्योपैथी में भी बहुत सारे तेल मिल जाते हैं। अगर आपको आपके बाल ग्रो करना है ना, तो तेल बदल लो। फैक्ट नंबर फोर, आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो। आप कोई सा भी शैम्पू यूज कर सकते हो, बट शैम्पू भी बहुत तरह के आते हैं, पर आयुर्वेद के जो शैम्पू आते हैं ना, वो ही आप यूज करा करो। बिकॉज ऑफ उनमें केमिकल नहीं होते हैं और वो आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। कम से कम 1 हफ्ते में 2 बार शैम्पू यूज तो करना ही चाहिए। तो शैम्पू तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, और जितना आयुर्वेदिक हो वो शैम्पू उतना ही अच्छा है। और जरूरी नहीं कि पतंजलि का ही शैम्पू यूज करो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेद में भी जो शैम्पू प्रोवाइड करते हैं। जो आप शैम्पू देखते हो ना, जो स्टोरों पे मिलते हैं 1 रुपीज 2 रुपीज में, उनमें सिर्फ केमिकल होता है, वो शैम्पू नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छे ग्रो हेयर चाहिए ना, तो शैम्पू आपको अच्छा लेना पड़ेगा, वो भी आयुर्वेदिक। जो एड देखते हो ना आप, ये शैम्पू यूज करो ये अच्छा है, बहुत सारे हीरो हैं जो बताते हैं कि ये शैम्पू यूज करो, रियलिटी ये है कि वो शैम्पू वो खुद यूज नहीं करते, बस बताते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। शैम्पू यूज करना हो ना तो सोच समझ के करो, क्योंकि शैम्पू मेन कारण होता है हेयर फॉल और हेयर लॉस का। बेस्ट आपके लिए यही होगा कि आयुर्वेदिक शैम्पू यूज करो। शैम्पू यूज करना बहुत जरूरी होता है अगर आपको अच्छे हेयर चाहिए। फैक्ट नंबर 6, अगर आप बालों पे कलर करवाते हो ना, तो आपका हेयर फॉल कभी नहीं रुक सकता है। कलर करवाने से अपने हेयर डैमेज होते हैं, इस बात को मान लो। चाहे वो आयुर्वेदिक हो या कोई सी भी कंपनी का हो, कलर करवाना आपके बालों के लिए इतना नुकसानदायक हो सकता है कि आप गंजे तक हो सकते हो अगर आप प्रॉपर कलर करवाते हो। तो कलर करवाने से पहले एक बार सोच लो। और जो लोग जेल लगाते हैं ना, वो तो गंजे होंगे ही, 100% है, कोई सी भी कंपनी की हो चाहे वो जेल। अगर आप भी जेल लगाते हो ना, तो जेल लगाना छोड़ दो, क्योंकि जो जेल से ना डस्ट रहती है ना अपने बालों में स्टोर हो जाती है। तो ज्यादातर लोग तो रात को नहीं नहाते होंगे, तो इसलिए जेल लगाना तो आप छोड़ ही दो मेरे हिसाब से, अगर आपको बाल को ग्रो करना है और बड़े करना है तो। अगर आप बहुत ज्यादा मेडिसिंस लेते हो ना, तो भी हेयर लॉस की समस्या हो सकती है आपको, इसलिए मेडिसिंस हो सकता है तो कम कर दो।
और अगर आप ज़्यादा जागते हो, प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, कम से कम 4 या 5 घंटे की नींद लेते हो, तो भी आपके हेयर लॉस में प्रॉब्लम आ सकती है। और रात को ज़्यादा देर तक जगे रहते हो, क्योंकि इससे आपके हार्मोन इनबैलेंस हो सकते हैं और उनसे भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने ये सारी टिप जो मैंने बताई है ये फॉलो करी, तो आपके 90% हेयर लॉस कम हो जाएंगे। और अगर आपके बाल पूरे खिर चुके हैं ना, तो वो किसी चीज़ से नहीं उग सकते, उसके लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। ये जितनी भी मैंने आपको टिप बताई है ना, ये मैंने खुद फॉलो करी थी और मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है इनका।